हाँ ये मुझे जब काम करने वाली आती है ना, काम करने वाली आती है ना, आपके यहाँ महीने तक सामान चोरी नहीं हुई, वो हमेशा सब सामान बिखर दिया, चोरी नहीं हुई, और इनके भी घर में काम करने वाली आती है और ये गए पूरा इनका नाम है प्रदीप पाल, उड़ीसा का रहने वाले हैं। ये परसों शाम को घर गए, गांव गए, परसों गांव गए और सुबह 5:30 बजे फोन आया कि अपना घर पे चोरी हुई है। और चोरी हुई है क्या क्या चोरी हुई है, वो बोले कि अलमारी की जो लाकर है, लाकर में देखो क्या क्या है। अपन आके देखे, 6 चूड़ियां उनका थी, 6 चूड़ियां चोरी हुई है और 2 कान के फूल वो चोरी हुई है, सोने के है, सोने के है, और 1 मंगलसूत्र था 7 पेंडल का साथ में, वो भी चोरी हुई है, और टूटी हुई एक अंगूठी थी वो भी चोरी हुई है, और LCD ये चोरी हुई है, और जो मेन गेट का जो ताला है उसका कुंडी टूटा हुआ है, और अंदर का अलमारी का कोई भी एक सामान नहीं है, सब बाहर फेंका हुआ था, सिर्फ सोने का और ये जो LCD ये दो ही चोरी चोरी। अच्छा, 3 मकान में हुई है, शर्मा जी के यहाँ, पाल साहब के यहाँ, और ये एक और भाई साहब बाहर रहते हैं, तीनों के यहाँ चोरी हुई है, सामान भी बहुत गया, वो उनकी मोटरसाइकिल ले गए, LCD ले गए शर्मा जी की, सोने का भी सामान बहुत गया है, पैसे भी गए, सुविधा बहुत है यहाँ पे, गेट ही नहीं है। इसकी जानकारी आपने काल मैनेजर को दी? हाँ बराबर दी ना काल मैनेजर को, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला गया आपको? नहीं, वो तो देखेंगे बाद में, अभी कोई वो नहीं है, लगाएंगे। कौन है काल मैनेजर यहाँ का? प्रेम कुमार अग्रवाल और वो जैन, दोनों के है। अच्छा, ये चोरी कितने बजे हुई थी रात में? रात को 3 बजे करीब हुई है। क्या उस समय पुलिस आई थी, क्या हुआ? हाँ, वो सामने जो वहाँ पे एक चौकीदार है उसने वहाँ से 100 पे कॉल करी थी। हाँ, तो आई थी गाड़ी, तो उसके बाद ही हम सब जगह यहाँ पे कॉलोनी वाले। कितने इस कॉलोनी में मकान है, कितने के घर हैं यहाँ पे? 50 घर करीब, 50-60 घर बन गए, 50-60 घर।